पैशन यही पानी बनाना। मेरे भलता हो जाएगा ऐसे कुछ बोल। हाइजीन रखो, हक से नाव लग से। मेरा नाम ही मोहित चौरसिया, एज है मेरी 27 साल, और ये जगह पे हो गए मेरे को 2 साल, अराउंड 2 साल होने को है। ये बिजनेस सबसे बेस्ट बात लगता है कि अलग अलग लोगों से मिलना होता है, और ये मेरा पैशन है एक्चुअली। पैशन यही पानी बनाना। मेरे भलता हो जाएगा ऐसे कुछ बोल ना। ये भाई मीठा पान है और अपना बेस्ट सेलर आइटम है। 25 रुपये इसकी प्राइस है, और उसमें गुलकंद, टूटी फूटी, चेरी, चटनियाँ, ये सब लगा के, मतलब मिक्सचर, अपना एक स्पेशल मिक्सचर है, वो वैसा पान बनता है। और इसका जो भी है अपन सब खुद बनाते और लोग बहुत पसंद करते। आदमी खावे तो एक बार विद इन 1 मिनट मुँह मेल्ट हो जाता है पान, और हर एज ग्रुप के लोग खा सकते हैं ऐसा पान। इसमें कत्ता चूना भी यूज़ नहीं होता है। मैं तो पब्लिक को चैलेंज देता हूँ भाई कि पान पसंद नहीं आए तो पैसा नहीं लूँगा, पान अगर तुमको पसंद नहीं है तो पैसा मत देना। और बोली हक से पैसा देके जाते, हाँ भाई पसंद आया, और वो सबसे ज़्यादा वही पान बेचता हूँ मैं। ये चॉकलेट पान है भाई, इसमें चॉकलेट मिल्क चॉकलेट ऐड होती है, अंदर भी चॉकलेट रहता है, बाहर भी चॉकलेट रहता है। जब भी कस्टमर को खाना होता है तब उसको डबल डिप करके देते खाने के लिए, चॉकलेट में डिप करते पूरा पान को, उसके बाद देते खाने को। ये सादा पान है भाई, मीठा पान और सादा पान में फीलिंग का फर्क रहता है। मीठे पान में कोई भी टाइप का सुपारी नहीं यूज़ होता है, और सादे पान में सुपारी वगैरह सब यूज़ होता है। सादा पान ज़्यादातर जेंट्स खाना पसंद करते हैं। सबसे ज़्यादा रश रात को 11 के बाद, 10-11 के बाद रश ज़्यादा होता है, और सुबह के टाइम पे रहता है 10-9 बजे रश ज़्यादा। ये सेम बिजनेस करना इट्स नॉट अ ईजी टास्क, क्योंकि इसमें आपको एक्सपीरियंस बहुत लगता है, और ये सब खेल एक्सपीरियंस का ही है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है इसमें अच्छा, तो ही आप ये काम कर सकते हैं। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि ये काम आप ना करें। सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी ये है कि खुद के लिए टाइम नहीं रहता है। ये ऐसा धंधा है कि इसको अपन बंद नहीं कर सकते कभी भी, इसको अपने को 24/7 चालू ही रखना पड़ता है, हफ्तों के सातों दिन, क्योंकि ये चीज़ लोग रोज़ खाते। दुकान सुबह 10 बजे मैं खोलता हूँ, और रात को 11-11:30 तक दुकान चालू रहती है। खाने का टाइम फिक्स नहीं है, कभी 4 बजे, कभी 3 बजे, कभी 2 बजे भी खा लेता हूँ। ये स्टार्टअप चालू करने के लिए आपको कम से कम 5-7 लाख की गरज पड़ेगी, और इसमें सबसे ज़्यादातर मेजर खर्चा तो आपका इंटीरियर पे जाएगा, और सेकंड थिंग मेजर खर्चा स्टॉक भरने के लिए जाएगा। जो स्टॉक भरेंगे, ये शॉप ओपन करके मुझे 2 साल होने को आए, और अपनी ये शॉप केलकर रोड पे तनिष्क शोरूम के सामने। ये दुकान खोलने का मैंने सोचा लॉकडाउन, सेकेंड लॉकडाउन के बाद मेरे को एक्सपीरियंस अच्छा हो गया था इसमें, तो मेरे को लगा मेरे को खुद का कुछ बिजनेस करना चाहिए। इसके वजह से मैंने ये 2 साल पहले सोचा था करने के लिए। मेंटेनिंग हाइजीन, प्रॉपर हाइजीन, हाइजीन रखो, हक से नाव लग से।